वैसे कोई आम गल नहीं है, बड़िया जनानियां कुड़िया शुद्ध भी हो रही है, अपने पति को मिलने की बात कर रही है, लगातार वो चौधरी लाल सिंह से मिलने की बात कर रही है, लगातार वो ये कह रही है कि मुझे चौधरी लाल सिंह से एक बार मुलाकात करवा दीजिए, मुझे एक बार उनसे मिलवा दीजिए, मैं उनसे अकेले मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। इसी कारण जो है वो यहाँ पर उनकी हालत जो है वो भी नाजुक बनती है। ये तस्वीरें ईडी ऑफिस के बाहर की और पुलिस जो है वो भी मौके पर पहुंची है, क्योंकि पुलिस तब क्या किया जब तबाही हो रही थी। क्या लग रहा है जहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है। एंटीसिपेटरी बेल 7 तारीख तक है, अभी 7 तारीख खत्म नहीं हुई है, तो आप देख लो ये लोकतंत्र कैसे खत्म किया जा रहा है। हर हर संस्था को ये कम्प्रोमाइज कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग है ये? सीबीआई 2 साल से कर रही थी, कुछ नहीं मिला, अब कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग आ गई? ये लोगों के घर ईडी की, ये किसी तो मेरे दोस्त भी है जिनके घर गई है, जितेंद्र सिंह उनको प्रेशराइज करके उनसे टाइप स्टेटमेंट उनसे साइन कराए गए। क्या समझ रहे हैं? आपको लग रहा है दबाव जो है वो बनाया जा रहा है? हम डरेंगे नहीं, इनको बताएंगे, इनको बताएंगे। सतवीर जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो दबाव जिस तरह जो बनाया जा रहा है ये इसको कितना जायज मानते हैं आप? देखिए जायज नहीं मानते हैं, नाजायज है। हमारे 2 बार के एमपी और 3 बार के एमएलए, 3-4 बार मंत्री रहे हैं, इतने सीनियर लीडर है, डोगरा लीडर है। आज इस ये हालत किसकी वजह से हो रही है? दिल्ली में कौन बैठा है? फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला है, दिल्ली में कौन है? कौन है? आज डोगरा ही दिल्ली में है और डोगरों के साथ ही ये हो रहा है। डोगरा दिल्ली में डोगरों के साथ ही हो रहा है और डोगरे ही तमाशा देख रहे हैं। डोगरों ने महाराजा हरि सिंह के वक्त भी देखा तमाशा, वो भी गुजर गए, और बड़े लीडर है वो भी गुजर गए, आज चौधरी लाल सिंह के साथ ये हो रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी हमारे महान नेता के साथ ये हो रहा है, तो आम डोगरे के साथ ये आने वाले वक्त में क्या करेंगे? कश्मीर से लड़ाई खत्म करोगे? वो तो अभी शुरू हुई है। पहले 60-40-70-30 की रेशियो तो थी नौकरी में, जब नौकरियां भी बाहर जाएंगी ना, कश्मीर की नहीं जाएंगी, तुम्हारी नौकरियां भी तुम्हारे घरों से बाहर जाएंगी ना, तो फिर तुम गुलामी करोगे, बर्तन मांजोगे? तुम इसके काबिल हो क्या? जमीर जगो जमीर, 200 साल पहले रियासत बनाई, रियासत महाराजा हरि सिंह ने, रियासत टूटी, यूटी बनी, तबाही हो गई, कोई नहीं बोला। नहीं बोलने का कारण ये है, अगर अभी मेरी कड़वी बातें सही लगे ना, तो घरों में जाग जाओ और इन तानाशाहों को भगाओ यहाँ से, ये डोगरा ही डोगरा का सगा नहीं है। यहाँ पर लगातार तस्वीरें दिलेर जी पिछले 4-5 दिन से लगा
लगातार यहाँ पर आप लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ली गई थी, अभी 7 तारीख को भी खत्म होने के लिए 12 बजे तक का समय है, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने जो है उनको सैनी कॉलोनी से जो बताया जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सारे लोग बुखलाए हुए हैं और उस बुखलावट में इन ईडी को इन्होंने आगे किया है। ये जितना भी यहाँ एक सिनेरियो बन रहा है ये सारा पॉलिटिकली है। और मैं आज बड़े भाषण हमने बड़ा कुछ मीडिया में आके कहा, लेकिन आज मैं जम्मू के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी हस्ती भी नहीं रहेगी दास्तानों में अगर आज आप सोए रहे घर में। उठो और संघर्ष करो। ये तानाशाही, ये करप्शन, ये जो लोग बैठे हुए हैं जो आपके बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे हैं, जो आपकी फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, आपकी स्टेट को यूटी बना के उन्होंने छोड़ा, अगर फिर भी सोए रहे साथियों वक्त निकल जाएगा। आज डोगराओं का शेर अंदर है। चौधरी साहब ने कल बोला था कि ये मेरी आखिरी लड़ाई है, मेरी आखिरी जंग है, ये याद रखना, कल आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। जो लड़ने वाला था शेर, आज उन्होंने अंदर पकड़ के रख दिया है। आपके लिए कौन लड़ेगा, कौन संघर्ष करेगा, ये आपने सोचना है, ये आपने डिसाइड करना है साथियों। एक जम्मू की ताकतवर आवाज जो डोगरों के दुख दर्द में, डोगरों के हर पल में डोगरों के साथ खड़ी होती थी, लेकिन मैं आज उन डोगराओं से पूछना चाहता हूँ, कहाँ छुपे हो, कहाँ छुप के आप बैठे हो, इतने कायर तो नहीं हो आप? कौन सा दबाव है, कौन सा ललच है जिसमे आप छुपे बैठे हो? इतनी नौबत आ गई है कि आप, आपको चुड़ियां पहननी पड़ेगी। अगर आप फाइनल बन जाएगी खराब जो है।